अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस 19 मूवमेंट पास है। इस पास की मदद से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में घूम सकते हैं या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। तो मैं आपको पूरा पास अभी दिखाता हूँ कैसा होता है। नीचे स्क्रॉल करके लेफ्ट हैंड की बात करें तो आपको एक फोटो होता है, राइट हैंड पे QR कोड होता है और लेफ्ट हैंड पे ऊपर की साइड लिखा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार। क्योंकि मैं अभी आपको जो पास दिखा रहा हूँ वो यूपी में वैलिड है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जारी किया है। और यहाँ पे लिखा रहता है बीच में कोविड-19 मूवमेंट पास अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, और फिर लिखा रहता है एड्रेस जहाँ का ये पास होता है। मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके और दिखाता हूँ कि पास में क्या क्या होता है। अगर पास की बात करें तो देखिए पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं पास के लिए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर आपको नहीं पता कि ऑनलाइन पास कैसे बनवाते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से समझ सकते हैं कि पास के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। फिर एप्लीकेंट नेम लिखा रहता है, देन DOB लिखी रहती है, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट लिखी रहती है, पास लिखा रहता है किसके लिए, पास एरिया लिखा रहता है कि विद इन डिस्ट्रिक्ट है, अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट है। अब लिखा रहता है सर्विस टाइप कि आपको पास चाहिए क्यों, तो स्वास्थ्य सेवा, पशुओं की स्वास्थ्य सेवा सहित। तो अभी जो मैं आपको पास दिखा रहा हूँ वो स्वास्थ्य सेवा का है कि जो बीमार आदमी है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए है। सर्विस डिस्क्रिप्शन रहता है हेल्थ चेकअप के लिए, डॉक्टर का नाम रहेगा, डेट लिखा रहता है कब से कब तक वैलिड है, अप्रूव लिखा रहता है किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, और अधिकारी का नाम भी होता है और सिग्नेचर होते हैं और डेट लिखी रहती है। जो ये पास है वो 2 दिन के लिए वैलिड होता है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे उन्हें पता चले कि पास कैसा होता है। जय हिंद, जय भारत।